हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अगर आपको जरोधा में किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे। दोस्तों, अगर आप लोग जरोधा पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जरोधा पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हम क्लिक करेंगे अपने यूजर नेम पर। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके लिए यहाँ पर कंसोल के अंदर एक ऑप्शन दिखाई देगा आईपीओ का। हम इस आईपीओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक दूसरे पेज पर लेकर आएगा जिसका नाम है console.jarodha.com। अब आपके लिए यहाँ पर आईपीओ विंडो दिखाई देगी जिसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिड का और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं क्लोज रखे। जिस आईपीओ पर बिड लिखा दिखाई दे रहा है वो आईपीओ अभी लाइव है और जिस पर भी आपको क्लोज दिखाई दे रहा है ये आईपीओ अभी बंद हो चुके हैं, इन पर आप पहले अप्लाई कर सकते थे। तो दोस्तों, जिस आईपीओ पर बिड लिखा दिखाई दे रहा है वो आईपीओ है अडानी बिल्मर का, हम इसी में अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए बिड पर हम क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, हम चलिए इस पर क्लिक करते हैं। बिड पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक करके इस आईपीओ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इशू ओपन, ये आईपीओ कब लॉन्च हुआ है तो आप इसकी यहाँ पर डेट देख सकते हो। इसके नीचे है इशू एंड, ये आईपीओ कब एंड हो जाएगा, इसमें अप्लाई आप कब तक कर सकते हो। उसके नीचे आ रहा है इशू साइज, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर इस आईपीओ में लॉन्च हो रहे हैं। इशू प्राइस 218 से 230, यानी इसी प्राइस के अंदर ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। मिनिमम क्वांटिटी लॉट साइज 65, यानी आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 65 शेयर बाय करने होंगे। ट्रिक साइज है 1 और डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पर कुछ 0 है। तो आपके लिए जो भी डिटेल लेनी है आप इस डिटेल ले सकते हो और मैं इसको करता हूँ हाइड, आप इसको भी यहाँ पर हाइड करता हूँ। अब दोस्तों, आपके लिए जिस भी UPI से, गूगल पे से, फोन पे से या पेटीएम से, जिस भी बैंक से आप इसमें पेमेंट करोगे वो UPI ID आपको यहाँ पर डालनी होगी। तो मैं अपनी UPI ID यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप अपनी यहाँ पर UPI ID डाल दीजिएगा जिस भी UPI ID से आप पेमेंट करोगे। अब यहाँ पर आ रहा है इन्वेस्टर टाइप। अब इन्वेस्टर टाइप यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर और आता है शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इश्यू दिस IPO, यानी कि दिस जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस IPO को लिस्ट कर रही है अगर उसके कोई भी शेयर, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के और भी शेयर हैं अगर उनके आप शेयर होल्डर हो तो आप उसमें टिक कर सकते हो। हम यहाँ पर रखेंगे इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर ही क्लिक रहने देंगे। उसके नीचे आती है क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी के लिए इस आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे होगे। तो मिनिमम क्वांटिटी 65 थी, यानी कि आपके लिए 65 शेयर तो मिनिमम एक लॉट बाय करना ही होगा। तो मिनिमम आप यहाँ पर 65 कर सकते हो, या आप अगर दो लॉट बाय करना चाहते हो तो आपके लिए 65 का डबल यहाँ पर करना होगा। मैं यहाँ पर 65 ही रहने देता हूँ। दोस्तों, इसके नीचे ऑप्शन आता है प्राइज का। अब यहाँ पर आप जो भी प्राइज डालोगे, जिस भी प्राइज पर आईपीओ लॉन्च हो रहा था प्राइज थी इसकी 218 से लेकर 230 के बीच में। अब आप यहाँ पर जो भी प्राइज डालोगे 218 से लेकर 230 के बीच में, मैं यहाँ पर जैसे 220 डालता हूँ, तो जब आईपीओ फाइनल प्राइज पर आएगा, जब आईपीओ लॉन्च होगा तो अगर इसी प्राइज के आसपास आईपीओ फाइनल होता है तो आपके लिए चांसेस रहते हैं कि आपके लिए लॉट अलॉट हो जाए। अगर आप कट ऑफ प्राइज पे टिक करते हो तो जो प्राइज इस आईपीओ की हाईएस्ट प्राइज है वो प्राइज आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। और जब भी आईपीओ लिस्ट होगा जो फाइनल प्राइज होगी उस प्राइज में आपके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके लिए एक आईपीओ मिल जाए। तो इसको आप कट ऑफ प्राइज पे रख सकते हो। अगर आपके लिए एक लॉट के अलावा दूसरा लॉट चाहिए पर्टिकुलर किसी प्राइज पर तो आप यहाँ पर फिर से 65 शेयर डाल सकते हो। अब आप यहाँ पर प्राइज डाल सकते हो या फिर से कट ऑफ प्राइज ले सकते हो। अगर आपका एक अकाउंट है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक अकाउंट से एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें। अगर आप डबल के लिए करते हो तो हो सकता है आपके लिए एक भी लॉट ना मिले, या हो सकता है दोनों मिल जाएं। तो आप यहाँ पर, मेरा सजेशन है कि आप एक अकाउंट से एक ही आईपीओ के लिए अप्लाई करें। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके नीचे आता है ऑप्शन आपके लिए ए, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं सेबी की, तो इनको आपको एक्सेप्ट करना है। और जितना अमाउंट आपके लिए पे करना है, अमाउंट पेएबल, तो आपके लिए अमाउंट आ रहा है ना 14,950, इतना अमाउंट आपके लिए पे करना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मैंने जो UPI ID यहाँ पर डाली हुई है इस UPI ID पर एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने आपके लिए इतना अमाउंट पे करना है।
और जैसे ही मैं उस नोटिफिकेशन की ओके बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे बैंक अकाउंट से 14,950 रुपये होल्ड हो जाएंगे। उन रुपयों को मैं यूज नहीं कर सकता, ना मैं विड्रॉल कर सकता हूँ जब तक कि ये IPO लॉन्च ना हो जाए, लिस्ट ना हो जाए। या तो मेरे लिए ये शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या मेरी जो मनी है वो वापस कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबमिट वाले क्लिक बटन पर क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करोगे सबमिट के बटन पर, मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का नया पेज ओपन आएगा। आप यहाँ पर देखोगे मेरा IPO में अप्लाई हो चुका है। अब आप यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मॉडिफाई बिड का। आप इस पर क्लिक करके आपने जो भी बिड लगाई है, जिस प्राइस पर लगाई है और कितने लॉट साइज का लगाया है, आप इसको यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपके लिए किसी अदर प्राइस पर और बिड लगानी है तो आप मॉडिफाई बिड पर क्लिक करके आप यहाँ से अदर प्राइस पर बिड लगा सकते हो और अपडेट पर क्लिक करके आपकी वो बिड अपडेट हो जाएगी। मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे UPI स्टेटस के अंदर अमाउंट आपका ब्लॉक हो चुका है। जो 14,000 रुपये थे या 16,000 रुपये थे वो आपके यहाँ पर रुपये ब्लॉक हो चुके हैं। स्टेटस में आप देखोगे कि रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग आ रही है, रिक्वेस्ट में आपको पेंडिंग आ रही है। आप यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक करके देख सकते हो कि ये ऑफर कब स्टार्ट हुआ, कब एंड होगा, कब आपके लिए, अगर आपके लिए ये IPO में शेयर मिलते हैं तो कब आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और किस दिन इस IPO की लिस्टिंग होगी, वो डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हो और मैं डेट एंड किस तारीख को है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप इस तरीके से जरोदा के अंदर किसी भी IPO में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आप यहां पर ऊपर देखोगे चेक अपकमिंग IPO, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी IPO भी आने वाले हैं उन IPO की लिस्ट आपको यहां पर दिखाई देगी। अडानी बिल्मर का तो भी चल ही रहा है और आप यहां पर देख सकते हो कितने सारे IPO अभी आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग जरोदा में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा।